आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश है आज के मुख्य समाचार। ईद उल फित्र की नमाज के लिए ईदगाह में सभी तैयारियां हुई पूरी, जिला अधिकारी व एसएसपी ने किया निरीक्षण। राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद आज शेखपुरा कदीम में पहुंचे अम्बार अहमद का किया गया जोरदार स्वागत। टीम एफबीडी द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर, 65 लोगों ने किया रक्तदान। बाबा लाल दास रोड पर रबड़ की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। ईद उल फित्र को लेकर एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने ली पुलिसकर्मियों की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। ईद उल फित्र से पूर्व अम्बा रोड स्थित ईदगाह में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसका जायजा लेने आज जिला अधिकारी आलोक पांडे व एसएसपी बबलू कुमार ईदगाह पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान शहर काजी नदीम अख्तर, मौलवी फरीद व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। शासन द्वारा कृषि यंत्र, अनाज, दाल, प्रशोधन, आपूर्ति एवं विश्वपन के निर्देशक बन आज शेखपुरा पहुंचे अम्बार अहमद का समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस तरह का कोई पद किसी को नहीं दिया गया है और ये मामला फर्जी बताया है। विश्व रक्तदान दिवस पर आज सिटी ब्लड बैंक में टीम एफबीडी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 65 यूनिट रक्तदान किया गया। क्या कार्यक्रम? ये हमारे फ्री ब्लड डोनेशन ग्रुप जो है उसकी ओर से आज कैंप लगाया गया है और विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में, और ये हमारे शहर का सौभाग्य है कि हमारे शहर के युवाओं में ब्लड देने के लिए इतनी प्रेरणा है जो शायद हिंदुस्तान में एक मिसाल है। मैं अपने सभी युवा साथियों को बधाई देता हूँ, खासतौर से हमारे तरुण गोला, विनोद चौहान, योगेश कुमार, पंकज पांचाल और जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं आनंद भाटिया, अर्जुन शर्मा, ये सब साथी जो लोग हैं लगातार एक प्रयास करते रहे हैं और सहारनपुर ने एक मिसाल कायम की है ब्लड डोनेट। बाबा लाल दास रोड स्थित आज एक रबड़ की फैक्ट्री में आग लग जाने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ईद उल फित्र को लेकर आज अम्बा रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने पुलिस कर्मियों की बैठक ली और उसमें उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।